अगली खबर आ रही है अयोध्या से, जहां सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर चौक पहुंची, शिलापट पर माल्यार्पण कर अपनी गुरु स्वर्गीय लता मंगेशकर को भी याद किया। अनुराधा पौडवाल का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न लता मंगेशकर को अयोध्या में लता चौक निर्माण कर उपयुक्त सम्मान प्रदान किया है। यह बहुत अच्छी बात है, वह जब भी अयोध्या आती हैं रामलला का आशीर्वाद लेती हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने से लोगों में उत्साह है, यह बहुत अलौकिक चीज है। उन्होंने कहा, जब मंदिर निर्माण होगा तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। अनुराधा पौडवाल ने यह भी बताया, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं कि कब राम मंदिर बने और वह दर्शन करने के लिए आए। लता चौक पहुंची पद्मश्री अनुराधा पौडवाल का अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने स्वागत किया और लता चौक का भ्रमण भी कराया। देखिए, अयोध्या जब से राम मंदिर का शुरू हुआ है काम वगैरह, तो सभी में उत्साह बहुत ज़्यादा है और हर एक इंसान के मन में उसके प्रति श्रद्धा है, भावना है। ये अपने आप में एक बहुत अलौकिक चीज़ है और जब फाइनली मंदिर जब बनेगा तो एक मतलब पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पर और दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं यहाँ पे कि हम कब जाके रामलला का दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें। तो उसी उम्मीद से मैं भी आया करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ और आज यहाँ पे लता चौक में आने का मुझे मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा कि भारत रत्न जो लता जी रही हैं तो उनको एक उपयुक्त ऐसे उचित सम्मान दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने। ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। देखिए, संगीत और भगवान का बहुत नज़दीक का रिश्ता है। गान सरस्वती थी, वो तो एक अपने आप में गंधर्व ही रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सुरों को किस तरह से यहाँ पे सम्मानित किया गया है, एक अच्छी बात है। लता चौक पर जो वीणा का बहुत बड़ा उनके स्मृति में लता चौक पर जो वीणा का माननीय मोदी जी के निर्देश पर, माननीय योगी जी के निर्देश पर ये बनाया गया है। यहाँ पर आकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और हर्ष व्यक्त किया। जो वैश्विक नगरी बनने जो अयोध्या जा रही है, ऐसे में भारत रत्न लता जी को माननीय मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, इसके लिए अनुराधा पौडवाल जी ने हर्ष व्यक्त किया। वैसे उनका नाता अयोध्या से निरंतर रहता है, वो हमेशा भगवान रामलला का दर्शन करने आया करती हैं और पहले की अयोध्या में वो बदलाव भी देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने हर्ष व्यक्त किया।